लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है एलकेओ मस्ती। क्या बात है, आज हमारे साथ हैं राजेश भाई फिर से और मैं हूं डायमंड कार बाजार में। आज यहां पर गाड़ियों का कलेक्शन आया हुआ है बहुत सारा और आज उसका वीडियो शूट होने वाला है। दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ राजेश भाई से। राजेश भाई कैसे हैं? फाइन भैया। अरे भैया, हमारे व्यूवर्स को हेलो तो बोलिएगा। हेलो, हाय, क्या बात है। तो आज राजेश भाई कौन कौन सी गाड़ियां दिखाने वाले हैं हमारे व्यूवर्स को, हमारे लोगों को? आज कुछ हम नई नई गाड़ियां दिखाने वाले हैं अपने व्यूवर्स को। जी, कौन कौन सी? बहुत ही रिजनेबल रेट में। जी, जैसे कि बलेरो की डिमांड ज्यादा है। जी, बलेरो दिखाते हैं फिर सफारी दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली गाड़ी जो दिखाने वाले हैं भाई वो बलेरो, फिर उसके बाद स्कॉर्पियो, सफारी और कुछ छोटी गाड़ियाँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम दिखाएंगे आपको यही सारी गाड़ियाँ। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी की स्टार्टिंग करते हैं और ये आप देखें, खड़ी है आपके सामने बोलेरो और गाड़ी की कंडीशन थोड़ा आप इस साइड से देखिए अच्छे से। और पीछे से भी आप देखिए, गाड़ी बढ़िया कंडीशन में है और इस साइड से भी देखिए बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी है और न्यू पड़े हुए हैं। आप देखिए टायर जो है बिल्कुल नए पड़े हुए हैं इसमें। तो दोस्तों, गाड़ी अंदर से भी आप देखिए बिल्कुल साफ गाड़ी है, इंटीरियर वगैरह बिल्कुल ठीक ठाक है, साफ है और सीटें भी देखिए आप, पीछे से। अभी बात करते हैं कि गाड़ी चली कितनी है और कौन सा मॉडल है। तो राजेश भाई, ये गाड़ी चली कितनी है और मॉडल कौन सा है? ये 2012 का मॉडल है। ये 2012 का मॉडल है, SLX है। SLX और ये 35,000 ओनली चली है। 35,000 किलोमीटर केवल ये चली है। तो मतलब टायर जो इसके हैं फिर इसका मतलब गाड़ी वो गाड़ी के साथ थी। तो दोस्तों, इस गाड़ी में जो इसके टायर पड़े हैं वो गाड़ी कंपनी के साथ हैं बिल्कुल, और 35,000 किलोमीटर ये केवल चली हुई है। फर्स्ट ओनर कार है, फर्स्ट ओनर। और ये इस पावर विंडो SLX है। SLX में क्या क्या मतलब चीज़ें होती हैं? SLX में सब कुछ होता है, एलआईवील छोड़कर। एलआईवील छोड़कर मतलब अंदर इसमें सारी चीज़ें हैं, आपका पावर विंडो है, पावर स्टेयरिंग है, उसके अलावा केवल बस इसमें एलआईवील नहीं है, बस बाकी सारी चीज़ें हैं। तो इसका जो प्राइस है वो क्या रखा है आपने? 4,60,000 रुपये। 4,60,000 रुपये। तो दोस्तों, गाड़ी की कंडीशन आप देखिए पहले कि गाड़ी में कंपनी के टायर पड़े हुए हैं और गाड़ी 35,000 किलोमीटर केवल चली है और इसका जो रेट है वो 4,60,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा, यानी नेगोशिएबल भी हो जाएगा थोड़ा बहुत। ये लगभग नई कितने की आ रही है? ये लगभग 9 के समथिंग है, 9,00,000 रुपये के आसपास आ रही है। तो दोस्तों, ये नई गाड़ी जो है 9,00,000 रुपये के आसपास आ रही है। अगर ये गाड़ी आपको पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा राजेश भाई का और आप बात कर सकते हैं इसे लेने के लिए। तो दोस्तों, दूसरी आ चुकी है और वो भी है बुलेरो। तो दोस्तों, आप सबकी पसंदीदा गाड़ी ये देखिए पीछे खड़ी हुई है सिल्वर कलर में। गाड़ी की कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आइए राजेश भाई से पूछते हैं कि ये कौन सा मॉडल है और क्या है सारी चीज़ें, लेकिन पहले एक बार अंदर बाहर दिखा देता हूँ मैं आपको। तो गाड़ी आप देखिए UP 35 नंबर है इसका, ये सुवी स्टार्ट। और गाड़ी इधर से साइड से देखिए आप, इस साइड से बेहतरीन कंडीशन में है। यहीं बैक करके डाल देना। ये देखिए स्क्रैच वगैरह नहीं है गाड़ी में। और जो सबसे मेन चीज़ है जो आप लोग देखते हैं गाड़ी के टायर जो है वो कैसे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो भी टायर पड़े हैं चारों वो इसी कंडीशन में पड़े हैं जैसे कि ये आप देख रहे हैं। तो अभी इसका पीछे का हिस्सा आपको दिखाता हूँ मैं। पीछे से देखिए गाड़ी का क्या लुक है, पीछे से भी बहुत ही बेहतरीन है। और इस साइड से देखते हैं इसको,
इस साइड से भी देखिए, बिल्कुल बेहतरीन साफ़ है गाड़ी और टायर भी बिल्कुल बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात ये कि M2DI इंजन है, M2DI इंजन है और M2DI काफ़ी अच्छा होता है। एवरेज वगैरह इसका लगभग 15 के आसपास का एवरेज होता है इसका। सामने से भी देखिए गाड़ी का लुक, अभी गाड़ी अंदर से इंटीरियर वगैरह भी देखिए आप, इंटीरियर भी बिल्कुल साफ है और सीटें वगैरह भी ठीक हैं। ये सीटें हैं गाड़ी की, ये 7-सीटर है। तो भाई ये जो ब्लेरो दिखाई है इसका क्या है, मतलब ये 2014 मॉडल है? 2014 का मॉडल है, 2014 का मॉडल है ये। और कितनी चली हुई है ये? 75,000 चली है। 75,000 चली है। ओनर का क्या है? फर्स्ट ओनर। तो दोस्तों फर्स्ट ओनर है, 75,000 चली है। गाड़ी की कंडीशन अंदर बाहर से आपने देखी है, बढ़िया कंडीशन में है। अब जो बात आती है प्राइस की, वो पूछ लेते हैं राजेश भाई से कि राजेश भाई क्या प्राइस है इसका? 14 मॉडल है, 470,000 रुपये। 470,000 रुपये। और ये कौन सा मॉडल है ये, मतलब SLE है? SLE। तो दोस्तों ये SLE है और ये M2DI इंजन पे है। और अगर बात करें इसमें पावर स्टेयरिंग वगैरह है? पावर स्टेयरिंग और क्या क्या है? AC है, AC है पावर। और केवल विंडो पावर नहीं होते हैं इसमें SLE में। तो ये 470,000 रुपये में मिल जाएगी आपको। 2014 का मॉडल है, गाड़ी चली है 75 के आसपास ना। तो दोस्तों बहुत बढ़िया है। बाकी आप देखिए अपने हिसाब से, अगर आपको सही लगती है, आपके बजट में बैठ रही है, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। और नेगोशिएबल है? नहीं है। हाँ, नेगोशिएबल हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए दूसरी गाड़ी देखते हैं। गाड़ी आ गई है XUV, महिंद्रा XUV, और ये है W8। गाड़ी आप देखिए बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है। ये साइड से देखिए आप, इधर स्क्रैच वगैरह नहीं है गाड़ी में। और टायर की कंडीशन जो है वो आप देखिए, टायर बढ़िया कंडीशन में है। और ये देखिए, ये पीछे से कंडीशन है गाड़ी की, पीछे से भी ठीक ठाक है, इधर से भी आप देख सकते हैं। और टायर की कंडीशन जो है वो चारों इसी कंडीशन में टायर हैं इसके, स्क्रैच वगैरह नहीं है। और अभी इसका अंदर से इंटीरियर वगैरह देखते हैं। तो अंदर से भी गाड़ी साफ है, इंटीरियर अंदर से आप देखिए, अंदर से कवर वगैरह भी ठीक ठाक है इसके। और ये W8 मॉडल है, 2012 मॉडल है ये। तो दोस्तों ये W8 है, 2012 मॉडल। और राजेश भाई आइए, तो ये गाड़ी जो है कितना चली है? ये गाड़ी 86,000 चली है, 86,000 किलोमीटर चली है। तो दोस्तों ये 86,000 किलोमीटर चली है, गाड़ी कंडीशन आपने देखी अंदर बाहर से। टायर तो इसके चेंज हो चुके हैं ना? टायर चेंज हो चुके हैं और चारों टायर बढ़िया पड़े हुए हैं, एकदम नए टायर पड़े हुए हैं। और ये कितने की पड़ जाएगी आप ये बता दीजिए? ओनर भी फर्स्ट है? फर्स्ट ओनर है। और प्राइस इसका क्या है वो राजेश भाई बताने वाले, बताइए। फाइनल 5.5 लाख रुपए की मिलेगी। 5.5 लाख रुपए दोस्तों। ये बीमा अभी है फर्स्ट पार्टी का। अच्छा, जीरो डब बीमा इसका है, 20 तक है। तो दोस्तों 2020 तक इसका बीमा भी है फर्स्ट पार्टी का, जीरो डब, वो भी आपको मिल जाएगा। और गाड़ी भी देख रहे हैं आप, बहुत बेहतरीन कंडीशन में है। आप जहाँ भी इसको ले जाना चाहें, जिस ज़िले में अपने यूपी में ट्रांसफ़र कराना चाहें, वो करा सकते हैं। NOC यहाँ से आपको मिल जाएगी। रही बात फाइनेंस की, तो गाड़ी फाइनेंस भी हो जाएगी, लेकिन केवल यूपी वालों के लिए ओनली। तो आइए दूसरी गाड़ी देखते हैं। और तो दोस्तों ये देखिए आ रही है, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी, सबकी चहेती स्कॉर्पियो। तो आइए देखते हैं ये कौन सा मॉडल है और क्या है सारी चीज़ें, ये गाड़ी दिखाते हैं आपको। गाड़ी कंडीशन आप देखिए, इस साइड से बिल्कुल बेहतरीन है। और ये पीछे से देखिए आप, पीछे से भी गाड़ी कंडीशन देखिए, टायर वगैरह भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसके। तो दोस्तों ये गाड़ी आप देखिए, पहले गाड़ी की कंडीशन देखिए आप,
ये आगे से देखिए गाड़ी का लुक जो है वो UP 35N और नंबर भी इसका VIP है, नंबर भी बढ़िया है आप देखिए। और ये अलॉय व्हील भी इसका ज़बरदस्त लगा हुआ है। टायर की कंडीशन की बात अगर करें तो चारों टायर इसी कंडीशन में मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल नए टायर हैं। ये देखिए चारों टायर इसमें बिल्कुल नए हैं, पांचों टायर, स्टेपनी भी बिल्कुल ऐसा ही है इसमें। और गाड़ी देखिए पहले बेहतरीन कंडीशन में है। और आइए इसके अंदर से दिखाते हैं इसका इंटीरियर क्या कह रहा है। तो मस्त है बॉस, एकदम अंदर से जो सीटें हैं ना ये बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त इसमें सीटें लगी हुई हैं। मुझे तो ऐसी ही सीटें पसंद हैं कि आदमी कंफर्टेबल हो के आराम से बैठे इसमें। ये देखिए पीछे की जो सीट है इसमें वो इस तरीके से है, और उसके बाद फिर जो इसमें बीच वाली सीटें हैं वो इस तरीके से हैं कि बिल्कुल आराम से आदमी बैठे लंबा सफ़र अगर जा रहा है। और आगे से इंटीरियर वगैरह जो है इसका वो भी मैं दिखा देता हूँ। अंदर से ये देखिए आपकी बिल्कुल बेहतरीन है गाड़ी, और स्टेयरिंग वगैरह देखिए आप, स्टेयरिंग में ही सारे फीचर्स दिए गए हैं इसमें कंट्रोलिंग। तो दोस्तों ये गाड़ी कितनी चली है वो राजेश भाई बताने वाले। राजेश भाई कितना चली है गाड़ी? 47,000 किलोमीटर चली है ये गाड़ी। और गाड़ी आप देख सकते हैं बढ़िया कंडीशन में है, मैंने अंदर बाहर से भी दिखाया आपको, ये सामने से भी देखिए आप गाड़ी का जो लुक है वो बहुत ही बेहतरीन है। और ये मॉडल कौन सा है? ये 2010 का मॉडल है, एमहॉक इंजन। 2010 मॉडल है, एमहॉक इंजन है ये। और एमहॉक इंजन का एवरेज वगैरह भी मैंने बताया था आपको कि लगभग 12 से 13 का एवरेज रहता है। और बढ़िया गाड़ी है, सारी चीज़ें इसमें सही हैं। वीएलएक्स है एयरबैग, एलआई व्हील है इसमें, एयरबैग तो होता नहीं है। एयरबैग नहीं है जी। तो ये इसका ओनर क्या है? फर्स्ट ओनर दोस्तों, ये फर्स्ट ओनर है। प्राइस भी बता दो जल्दी से हमारे लोगों को। 4,50,000 रुपये। तो दोस्तों इसकी डिमांड जो है वो 4,50,000 रुपये है, बाकी नेगोशिएबल है। तो दोस्तों आ रही है S10 है ना अपनी, S10 बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में है ना हमारे यहाँ। ये देखिए S10 आ चुकी है और अभी इसको लगवाते हैं और बताते हैं आपको कि इसका मॉडल क्या है और क्या है सारी चीज़ें। गाड़ी पहले आप देखिए बहुत ही मस्त है एकदम। बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है ये और ज़बरदस्त कंडीशन में। अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं ब्लैक कलर में। गाड़ी बिल्कुल साफ है। गाड़ी पीछे से देखिए ज़बरदस्त लुक आ रहा है पीछे से। बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी है एकदम। तब सामने से जो लुक आ रहा है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और इस साइड से भी बढ़िया है, कहीं भी एक स्क्रैच नहीं है गाड़ी में। सबसे अच्छा अगर इस गाड़ी में लग रहा है तो ये ग्रिल लग रहा है, ये देखिए आप स्कॉर्पियो, बहुत ही मस्त लग रहा है ये। तो ये S10 है और आप देखिए इसमें अंदर से जो इसका इंटीरियर है वो बिल्कुल बेहतरीन इंटीरियर है, साफ है बिल्कुल। स्टेयरिंग में ही सारे फीचर्स हैं इसमें, वॉल्यूम वगैरह सब यहीं से आप कर सकते हैं सेट। और ये LCD भी लगी हुई है इसमें, 7-सीटर है। पीछे से भी गाड़ी आप देखिए बेहतरीन साफ है बिल्कुल, और ये S10 है। तो दोस्तों आपने देखा गाड़ी की कंडीशन जो है वो अंदर बाहर से बिल्कुल बेहतरीन है, एकदम साफ गाड़ी बिल्कुल न्यू कंडीशन में लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि इसमें अलग से भी काफ़ी काम कराया गया है। तो क्या है ऐसा? हाँ, यानी कि आगे जो ग्रिल विल लगा है इसमें और भी जो चीज़ें लगी हैं स्टिकर सब अलग से कराया गया है गाड़ी में। और ये गाड़ी S10 है, मॉडल कौन सा है ये बताइए? 2015 मॉडल है, 2015 का मॉडल है, और फर्स्ट ओनर है, S10 है। चली कितनी है ये गाड़ी? समथिंग चली 65 दोस्तों ये चली है, 65,000 किलोमीटर। और टायर की कंडीशन आपने देखी है, तो क्या टायर इसके चेंज हो चुके हैं? समथिंग नहीं, अभी गाड़ी के साथ में
साथ के ही हैं, यानी आपने देख लिया गाड़ी के साथ के ही हैं। तो दोस्तों गाड़ी के साथ के ही टायर पड़े हुए हैं इसमें चारों, और ये गाड़ी कितने की पड़ जाएगी वो हमारे लोगों को राजेश भाई बताइए। ये 9.5 लाख रुपये की। 9.5 लाख रुपये। और दोस्तों ये 9.5 लाख रुपये इसका प्राइस है, 2015 मॉडल है, S10 है जी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं गाड़ी आकर के, यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपने ज़माने का शेर बाहर आ रहा है, यानी कि सफारी, वाकई में अपने ज़माने का शेर ही था ये। और सफारी गाड़ी जो है बहुत चली, बहुत लोगों ने पसंद किया और आज भी लोग पसंद करते हैं इसको। गाड़ी आप देखिए बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है, और इसको दिखाता हूँ मैं आप सबको, ये देखिए। तो दोस्तों गाड़ी का पीछे आप देखिए, पीछे से गाड़ी का जो लुक है वो एकदम बेहतरीन है। ये देखिए आपकी कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है पीछे से इसका, और साइड से भी देखिए आप, गाड़ी में स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, गाड़ी बिल्कुल साफ़ है। टायर की बात अगर करें तो टायर भी आप देखिए, टायर की जो कंडीशन है वो बिल्कुल जो है नए टायर पड़े हुए हैं इसमें, बिल्कुल साफ़ गाड़ी है। और ये सामने से भी देखिए आप, और इस साइड से भी मैं दिखाता हूँ आपको, इस साइड से भी गाड़ी बिल्कुल साफ़ है। और ये देखिए टायर की कंडीशन देखिए, और ये कितनी चली है अंदर से, मैं इसका जो इंटीरियर वगैरह भी दिखा देता हूँ आपको। अंदर से भी आप देखिए बिल्कुल साफ है इंटीरियर, और ये आगे का देखते हैं, अंदर से बिल्कुल साफ़ है इंटीरियर इसका। और ये सीटें आप देखिए, तो दोस्तों ये भी 7 सीटर है, और ये सफारी कौन सा मॉडल है, क्या है, सारी चीज़ें आइए राजेश भाई से पूछते हैं। तो दोस्तों ये सफारी जो है आपने देखी अंदर बाहर से बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में। अभी सबसे पहले तो पूछते हैं भाई से कि फर्स्ट ओनर है कौन सा ओनर है। ये सेकंड ओनर है। तो दोस्तों ये सेकंड ओनर सफारी है, और गाड़ी आपने देखी अंदर बाहर से बढ़िया है, और चली कितनी है ये बता दीजिए हमारे लोगों को। चली है 85,000। 85,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। टायर इसमें नए पड़े हैं, चारों टायर नए पड़े हैं इसमें, और जो कि मैंने आप सबको पहले ही दिखा दिया। और इसका प्राइस बता दीजिए हमारे लोगों को क्या है, और ये मॉडल क्या है। ये 2009 मॉडल है। तो दोस्तों ये 2009 मॉडल है, और प्राइस क्या है इसका। प्राइस इसका 2,20,000। तो दोस्तों 2,20,000 रुपये इसकी डिमांड है, और बाकी ये तो आप जानते ही हैं कि लखनऊ मस्ती हमारा चैनल का नाम लीजिए तो कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट यहाँ पे होगा ही, तो नेगोशिएबल हो जाएगा। भाई से बोलिएगा ज़रूर जब भी अगर आप इस गाड़ी के लिए आएँ। गाड़ी आपने देख ही ली है, गाड़ी बिल्कुल साफ़ है, 2009 मॉडल है, और जिसका बजट है कम, 2 के आसपास का बजट है, उसके लिए गाड़ी बढ़िया है। ये 2,20,000 रुपये डिमांड है, तो बेहतरीन गाड़ी है, बेहतरीन डील है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो यहीं पर करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं फिर आपसे कल के वीडियो में। और दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया, मेरी छोटी सी बिटिया है, उसकी गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे, उसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इस वजह से 2 दिन से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था। लेकिन कल से फिर से रेगुलर वीडियो आना शुरू हो जाएंगी, यानी आज से ही। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नए वीडियो में कुछ नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।